हेलो चिल्ड्रन, अब हम लोग करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पार्ट 5। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने अभी 1-4 तक का पार्ट नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसकी मदद से वो ये तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा जो पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं वो भी देख सकते हैं और इंडियन सोसाइटी के जो चैप्टर्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आपसे ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये रिकमेंड करिए, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए, जिससे कि जितने लोग इसका लाभ उठा सकें वो लोग उठाएं और ये जो चैनल है इसकी विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पार्ट 5। अब इसका जो बॉक्स है, बॉक्स 3.11 जो है बाउंड बाय ऑनर है। तो इसमें देखते हैं कि जो कास्ट पंचायत हैं वो कभी कभी ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि वो ही डिसीजन देने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो ही मॉरल तय करेंगे कि सही क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और ये पहले जो ट्रेडिशनल पंचायत हुआ करती थी उसमें ये ऐसा करा जाता था, और आज भी कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता है कि हाँ ये ऐसा केस हुआ है जिसको सुन के हम सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे कि 2004 में हुआ था कि जो राठी खाप पंचायत थी जो कि असंधा विलेज की थी जो कि झाझर डिस्ट्रिक्ट में था, उन्होंने जो सोनिया नाम की एक लड़की थी जिसकी एक साल पहले शादी हो गई थी उसको ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी जो शादी है उसको जो रामपाल के साथ, उसने एक लड़का रामपाल था उसके साथ शादी करी थी और उन लोगों की लव मैरिज थी, तो बोला कि आप इस शादी को आप नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप ये आप उसका जो बच्चा भी होने वाला था उस बच्चे को भी आप अबॉर्ट करिए और आप अपने जो हस्बैंड है उसको अपना भाई की तरह मानिए अगर आप इस विलेज में रहना चाहते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करा गया कि वो अपने हस्बैंड को भी भाई माने, अपने बच्चे को भी वो अबॉर्ट कर दे, अपनी शादी भी डिसॉल्व कर दे, ऐसा क्यों मांगा गया, उसका उसकी क्या गलती थी? तो जो वहाँ के जो पंचायत थी उनका मानना था कि उनकी ये गलती थी कि वो दोनों सेम गोत्र के थे, लेकिन सेम गोत्र होने का कोई हमारी इंडियन जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अगर सेम गोत्र के लोग होंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, कि उसकी मान्यता प्राप्त है। तो भी वो जो पुराना उनका जो तरीका चलता आ रहा था कि सेम गोत्र के लोगों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, वही मानते हुए और उसी को सही मानते हुए कि वही सही है, उन्होंने उसको ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था। और फिर जो सोनिया और रामपाल हैं वो फिर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में अपील करते हैं और हरियाणा गवर्नमेंट से बोलते हैं कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, फिर सरकार इनका मदद करती है और उन लोगों को फिर से रहने का, इकट्ठा रहने का मौका मिलता है। और वैसे ही ऐसे ही एक और जगह है जहाँ पे जाति पंचायत ने ऐसे ही एक्शन लिया था जो कि था कि अंसारी की ये पंचायत थी मुजफ्फरनगर में, जून के महीने में ये हुआ था, जिसमें कि एक औरत होती है और इसका नाम होता है इमराना, और इमराना जो नाम की जो औरत है उसका उसके जो ससुर हैं वो उसका रेप कर देते हैं और फिर उसको बोला जाता है कि अब उसको अपने जो अपने पति को अपना बेटा मानना पड़ेगा क्योंकि उसका उसके जो उसके अब जो फादर इन लॉ हैं वो उसके हस्बैंड के कैटेगरी में आ गए हैं। और फिर वैसे ही एक मेरठ विलेज में भी एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसमें एक गुड़िया नाम की लड़की थी जिसका जो भी प्रेग्नेंट थी और उसका जो पहला पति था वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और फिर उसने दूसरी शादी कर लेती है और उसकी दूसरी शादी करने के बाद उसका बच्चा होने वाला होता है, तो तभी तब तक पाँच साल बीत चुके होते हैं और तब उसका पहला पति वापस आ जाता है, तो उसको बोला जाता है कि अब वो अपने जो दूसरे पति को छोड़ दे और पहले पति के साथ चले जाए। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो पर्पस होता है, जो पहले जो तरीका होता था वो होता था कि जो पावर का गलत इस्तेमाल करा जाता था और लोग अपने ही रूल अपने ही तरीके अपनाते थे और वही वो लोग लोगों को बोलते थे कि वो उसको माने, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अब वैसे ही हम लोग अब पढ़ते हैं बॉक्स 3.12 जिसमें बताते हैं डेमोक्रेटिक मेजर्स डू नॉट ऑफन वर्क आउट इन प्रैक्टिस बिकॉज इंटरेस्ट ग्रुप्स रेजिस्ट चेंज इन मनी मैटर्स। कहने का मतलब है कि हम कितना भी बराबरी कितने भी डेमोक्रेटिक मेजर्स लाने की कोशिश करें लेकिन वो ज़्यादा
या फिर कई बार कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक मेजर्स लेने को वो नहीं लेने देते हैं, और वो लोग जो चेंज होने वाला होता है उसको चेंज नहीं लाने देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। अब जैसे कि एक इन्होंने केस दिया है कि, और इसमें बताने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं पैसा या फिर पोजीशन, ये सब चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और जो डेमोक्रेटिक तरीके होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब जो जो उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है कि सुमा सरपंच की जो सीट है, वो जो सीट थी वो वेमेन के लिए अलॉटेड थी, तो अब उसमें कितने केस आपने देखे होंगे, कितने केस देखे होंगे, कई जो सीट्स होती हैं जिसमें कि कोटा विमेन का होता है, उसमें विमेन तो कहीं दिखती नहीं है, विमेन का कोई कोई चाहे दो शब्द भी नहीं बोल पाती हैं, लेकिन जो लड़ाई होती है, जो कॉन्टेस्ट होता है, वो उनके पतियों के बीच में होने लग जाता है, कि वो अपने आप में ही वो पॉलिटिकल लीडर्स पहले रह चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जो सीट होती है वो विमेन को अलॉट हो जाती है, तो वो अपने वो खुद वो अपने पत्नियों को उसमें खड़ा कर देते हैं, और उन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट, एक्चुअली तो कॉन्टेस्ट हस्बैंड्स के बीच में हो रहा होता है, लेकिन आगे जो चेहरा होता है वो औरत का होता है। तो यही एक केस है इसी इस विलेज का, जहाँ पे एक तो होता है राम राय मेवाड़ा, और दूसरा नाम होता है चांद सिंह ठाकुर। और जो राम राय मेवाड़ा होता है उसका जो शराब की दुकान होती है, और जो चांद सिंह ठाकुर हैं ये एक जमींदार और काफी पैसे वाले जमींदार होते हैं, लेकिन जो राम राय मेवाड़ा है ये पहली बार भी जब पंचायत में जब ये इलेक्ट हुए थे तब इनको भाई इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने झूठे नाम बना के लोगों को जो जो बाढ़ आई जो सूखा पड़ा था उसके पैसे उन लोगों को बांट दिए थे, और बाकी झूठे नाम के पैसे इन्होंने खुद ही अपने लिए वसूल लिए थे, लेकिन उनके ऊपर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो जो लोग चाहते थे कि इसलिए वो मेवाड़ा को वोट नहीं दें, और वो चाहते थे कि वो सब लोग चांद सिंह ठाकुर को वोट दें, क्योंकि उनको लगता था कि मेवाड़ा पहले से ही करप्ट है। और तो सब लोग फिर इकट्ठा डिसाइड करते हैं कि हम सब लोग ठाकुर को ही देंगे और मेवाड़ा को अपोज कर देंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि वो जो 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 कॉन्टेस्ट हो रहा था वो औरतों के बीच में हो रहा था, और औरतों को कहीं औरतों का नाम कहीं पे भी नहीं आया, उनके हस्बैंड करप्ट थे, उनके हस्बैंड ने ये किया, उनके हस्बैंड ने वो किया, वो सब तो सारी बातें हो गई, लेकिन औरत की जो खूबी थी या फिर औरत की जो उसका कुछ एजेंडा था, वो क्या करना चाहती थी, उसका कोई भी लेना देना नहीं हुआ, और सिर्फ आदमी ही एक दूसरे से लड़ते रहे, तो और आदमी और औरतों के नाम पे, और वो उन्होंने सीट वैसे ही जीत ली। तो अगर आप कितना भी डेमोक्रेटिक मेजर करना चाहें, जो सरकार ने तो अपनी तरफ से करा कि ये जो जगह है ये औरतों के लिए रिजर्व है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 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 किस्सा हुआ कि उसमें डेमोक्रेसी पूरी रूप से नहीं आ पाई। अब ऐसे ही है रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड इंफॉर्मेशन। अब ऐसे ही एक इसका भी एक इन्होंने बताया कि किस तरह से सोशल मूवमेंट्स होते हैं, और जो जब भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो चाहती हैं कि वो भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, और किस तरीके से वो उसको लागू करती हैं। तो एक इसी तरीके से एक मीटिंग है जो कि जनवरी 24 को धोरीला विलेज में हुई, और धोरीला विलेज में जो पंचायत थी वो थी कुशलपुर पंचायत। और इस मीटिंग में इस मीटिंग को करने के लिए कि मीटिंग होने वाली है और इस दिन होने वाली है, लोग दरवाजे दरवाजे सब लोग गए, उनको बताया गया कि देखिए ये मीटिंग होने वाली है, आप आइएगा ज़रूर। और इसमें बच्चों को भी लूप इन कराया गया, बच्चों को भी बताया गया कि आप अपने माँ बाप को और लोगों को ये बताइए कि ये मीटिंग होने वाली है, और जो और उनको फिर कुछ कुछ स्लोगन्स दिए गए, और जो कुछ वर्कर्स थे जो अच्छे एक बहुत बहुत ही नामी निरामी एनजीओ के थे, उन लोगों को भी इस काम के लिए बुलाया गया और बताया गया कि चौपाल में जो मीटिंग हो रही है इसमें सब लोग अटेंड करें और सब लोग आए।
अब इसमें जो था कि जो जो कैंडिडेट थी वो उसको जो खड़ी हो रही थी, कॉन्टेस्ट कर रही थी, उसका नाम था तारा, और उसको जो एनजीओ थी वो सपोर्ट कर रही थी। तो उसने उस दिन जिस दिन मीटिंग कराई, उसने अपना घोषणा पत्र उसने वहाँ पे पढ़ा और सब लोगों के सामने, जिससे कि लोगों को पता चले कि वो क्या करना चाहती है। तो उसके घोषणा पत्र में ये साफ साफ था कि वो किसी से ना घूस लेगी ना किसी को देगी घूस। और उसने बोला कि मैं प्रचार करने के लिए बस 2,000 रुपये से ज़्यादा मैं पैसा नहीं खर्च करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रचार करते हैं तो कोई ना कोई तरीके से मुफ्त कोई चीज़ बांटते हैं, कोई साइकिल बांटेगा, कोई चावल बांटेगा या गेहूँ बांटेगा, या फिर कई बार सुनने में आता है कि शराब और गुड़ भी बांटा जाता है। तो लेकिन उसने इन सब चीज़ों को मना कर दिया कि मैं इसका काम बिल्कुल भी, मैं इन सब चीज़ों को नहीं करूंगी, और मैं सरकारी संपत्ति को भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, जीप्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि उसने उन लोगों को बताया कि आज मैं आपको जो चीज़ दूंगी, कल को जब मुझे सरकार वो पैसा देगा तो कोई ना कोई, जैसे लोग देते हैं तो वो लोग कोई भी उसको मुफ्त नहीं देता, तो अगर वो आपके ऊपर कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा वो सरकार से वसूलेंगे, और आपके जो प्रगति के लिए, आपके जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आएगा वो खुद ही उसमें रख लेंगे। तो आप अगर वो चाहते हैं तो फिर आप मुझे वोट ना दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें और करप्शन ना हुए, और हम जो इलेक्शन है उसको बिना पैसे के ही, कम पैसे के ही हम उसको सही तरीके से जिसका चयन करना है उसका हम कर लें, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये ऐसे लोगों को बहुत ये बात समझ में आई और लोगों को पता चला कि जब इलेक्शंस होते हैं तो लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब आता है कि क्या जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप्स वो होते हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ लेना देना है, और उसकी एक खुद ही एक कम्युनिटी होती है, जो लोग क्योंकि पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज से चाहते हैं कि कोई पॉलिसी बने, कुछ चेंजेस आए तो उनके फेवर में आए, जिससे कि वो सारे के सारे लोगों को कोई ना कोई फायदा हो सके। तो वो चाहे किसान हो सकते हैं या फिर कोई वर्कर हो सकते हैं या कोई भी वो हो सकते हैं जो कि अपना केस सरकार को डाले, इकट्ठा मिलके होता है, तो क्योंकि तो उसमें स्ट्रेंथ होती है, उनके बाद गवर्नमेंट सुनने को भी तैयार होती है। अब जैसे कि अभी ये केस था जिसमें कि उन्होंने बोला कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को वो प्राइवेटाइज करेंगे, तो ऑर्डिनेंस और इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करेंगे, तो सारे जितने भी वर्कर्स थे सब मिल के उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बना लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपसे काम नहीं करेंगे। तो फिर एक प्रेशर ग्रुप बन गया, तो सरकार ने अपनी जो बात है उसको कहीं ना कहीं पीछे लिया। लेकिन हर बार ये नहीं होता कि हर बार सरकार सोचे और हर बार प्रेशर ग्रुप बने और वो हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रेशर ग्रुप बना के गलत चीजों में भी लोग प्रेशर ग्रुप बना के सरकार से डिमांड करते हैं, तब जरूरी नहीं कि सरकार उनकी बातों को सुने। तो ये जो है कि जो जो है जो भी जिसका भी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पेजेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, कोई भी अगर अकेले अपना कोई बात कहना चाहे तो वो अपना अकेले तो उसको शायद सुनवाई ना हो, लेकिन अगर वो अपनी एसोसिएशन बना के अगर अपनी बात कहना चाहे तो उनकी बातों को जरूर सुनता है, क्योंकि वो एक तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है, कि इतने सारे लोग जब एक बात बोलते हैं तो लगता है कि जरूर इस बात में कोई ना कोई मतलब होगा, तो उसको समझने की सरकार कोशिश करती है। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स, एंड एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये दोनों जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं। अब जो ट्रेड यूनियंस हैं, दो दो तरीके के ट्रेड यूनियन हैं, जो कि इंटक है जो कि इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या फिर CITU है जो सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन। तो इसमें भी वर्कर्स ने अपना प्रेशर ग्रुप बना के रखा हुआ है। ऐसे ही जो फार्मर्स हैं उनका भी यूनियन होता है जिसको बोलते हैं शेतकारी संगठन, और एग्रीकल्चर लेबरर्स का भी अपना यूनियन है। तो ये जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म जो ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो होता है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी में भी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड
towards achieving legitimate control of government through an electoral process. तो political party कैसे define कर सकती हैं, ये आप इससे याद कर लीजिएगा. Political party may be defined as an organization oriented towards achieving legitimate control of government through an electoral process. So political party वो organization है जो कि government, जो कि जो सरकार का जो control, जो सरकार के रूप में जो control लेना चाहती हैं, और जो control लेना चाहती हैं वो एकदम वैध कंट्रोल है. अब वो कैसे कंट्रोल लेना चाहती हैं, वो इलेक्शन के प्रोसेस से लोगों के द्वारा चुने जाने पर वो सरकार बनाना चाहती हैं और फिर लोगों के लिए काम करना चाहती हैं. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो मेन एम होता है वो होता है कि वो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो उनको मिले, और जो कि जब तक गवर्नमेंट की पावर नहीं है तो आप कितना भी कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहें आप नहीं कर सकते हैं. आपको कोई अगर अच्छा काम करना है तो उसके लिए आपको पावर भी चाहिए है, क्योंकि जिससे कि जो लोग मना करें या फिर आपकी बात अच्छा बात करने में अड़चन करें तो आपके पावर से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो बिना पावर के कोई भी काम नहीं हो सकता है. अगर आप स्कूल के सेटअप नहीं देखें तो अगर प्रिंसिपल को पावर नहीं है बच्चों के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए तो कोई भी चीटिंग भी करेगा और थोड़ा फोड़ी भी करेगा, तो लेकिन वो नहीं सही होएगा. इसीलिए प्रिंसिपल को ये पावर दी होती है कि अगर कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं. तो वैसे ही पॉलिटिकल पावर को कोई भी पॉलिसी या कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पावर की जरूरत होती है. वो पावर उनको मिलती है बाई इलेक्शन जब उनको चुना जाता है. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपना सोच है, अपना नज़रिया है समाज की तरफ पे, और सबका अपना अलग अलग सोच है. इसी तरीके से वो अलग अलग पार्टीज बनती हैं. और जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी है, उसमें वो जो एक एक जो कंट्री है वो किसी एक जन से तो बनी नहीं है. उसमें वर्कर्स भी हैं, उसमें लेबर्स भी हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, उसमें वेमेन भी हैं, उसमें चिल्ड्रन भी हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, और हर एक ग्रुप को अगर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या एजेंडा है, उनका क्या सोच है. और वो हर एक जो अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर कोई भी एक मतलब सब जो भी पावर में आते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब वो जो सरकार जो किसी एक सरकार को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और अगर वो उनकी बात नहीं सुनता है तो वो अपना सपोर्ट किसी दूसरे पार्टी को दे देते हैं. तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत नंबर होता है. अगर किसानों की बात ले लें तो अगर किसान लोग या सोचें कि हम लोग इस पार्टी को नहीं वो कोई अपना कोई बात रखें और बोले कि नहीं हमको अब से ये चीज़ मुफ्त चाहिए है या फिर ऐसा फैसिलिटी मुफ्त चाहिए है या फिर हमने लोन ले लिया है तो हमको उसको पूरा माफ़ कर दो, ये बात दूसरी है कि वो उसमें भी जो माफ़ी देते हैं उसमें कितना जो लोग टैक्स देते हैं उन लोगों के पैसे भी कितने चले जाते हैं, क्योंकि टैक्स दिया जा रहा है तो वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है लेकिन उसमें भी पैसा चला जाता है, लेकिन उसको वो बोलते हैं माफ़ कर दो. और अगर वो नहीं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात नहीं सुनती है तो वो लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम तो अगली बार से आपको वोट नहीं करेंगे क्योंकि आप बात नहीं सुनेंगे. तो ये इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन लोगों को जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी बात सुननी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको गवर्नमेंट पावर मिली रहे और वो आगे बढ़ के आगे चल के वो उस गवर्नमेंट पावर से कुछ ना कुछ जो वो कंट्री के लिए करना चाहते हैं या फिर ना करना चाहते हैं या फिर अपने ही सिर्फ जो स्वार्थ है वो सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी उनका मन है वो कर सके. इस तरीके से जो प्रेशर ग्रुप है वो गवर्नमेंट के साथ लॉबी करती है, मतलब उनको इकट्ठा मिलकर उनको सपोर्ट करती है, या तो फिर वो चाहते हैं कि उनकी बात मान ली जाए. तो इस तरीके से जो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कई बार जो अपना पावर लेना चाहते हैं और वो मतलब उनको पावर मिल गई है और
सीक टू अचीव पावर बट आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू डू सो थ्रू स्टैंडर्ड मीन्स. तो जो मतलब वो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी होती हैं, वो बार बार कोशिश कर रही हैं कि हमको तो भाई पावर में आना है, पॉलिटिकल पावर में आना है, लेकिन हर बार वो आ नहीं पाती हैं. तो वो नहीं आ पाती हैं तो वो सोचती हैं कि ऐसा कोई ना कोई हम मुद्दा उठाते हैं जिससे कि हम लोगों के पहचान में आ जाएंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम भी इतनी अच्छी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी हैं और लोग हमको वोट करेंगे. तो कई बार इस मुद्दे से भी लोग बेमतलब में, कई बार मुद्दे होते भी हैं, कई बार मुद्दे नहीं भी होते हैं, लेकिन वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के वो उसको जो मूवमेंट्स करते हैं और जिससे कि उनको लोगों के बीच में पहचान मिले. अब आता है नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. तो ये अब समझ में आ गया है कि हर एक जो ग्रुप है वो बराबर रूप से गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकता है अपना काम कराने के लिए. किसी में जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, वो ज़्यादा प्रेशराइज कर पाते हैं, जिनमें कम होते हैं वो कम कर पाते हैं. तो इसीलिए जब सब में बराबर नहीं होते हैं तो एक ना एक जगह पे कहीं ना कहीं ये भी सोच आती है कि ये तो जो जितने प्रेशर ग्रुप्स हैं वो तो अलग अलग उनमें जो हैसियत है वो प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन एक जो प्रेशर ग्रुप है, चाहे जो इंडिया में का माना जाए तो जो है क्लास का, कास्ट का, जेंडर का, वो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो हर जगह डोमिनेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ पे है, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में है. वो एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा जो सरकार को वो प्रेशराइज कर सकता है. और ये भी ये कई लोगों का मानना है, वो सोचते हैं कि आज भी जो है जो डोमिनेंट क्लास है वो ही जो सरकार को वो कंट्रोल करता है. और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में नहीं है, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में है. अब किस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो ये देखने में आता है कि जब भी बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं वो फरवरी मंथ में वो बजट प्रेजेंट करते हैं, और जब भी बजट प्रेजेंट करते हैं तो उसके पहले देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों से मिलने आ जाए, बहुत सारे ग्रुप्स उनसे मिलने आते हैं, कल अलग तरीके की ट्रेड यूनियंस, बहुत तरीके से जो किसान लोग या फिर विमेन के ग्रुप के लोग, और अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो रहे हैं, वो सब लोग मिलने आते हैं और वो लोग अपनी बात और उनके बात कहने की कोशिश करते हैं कि उनको क्यों उनको गवर्नमेंट को बजट उनके फायदे में देना चाहिए. ये है मैक्स वेबर का, ये है मैक्स वेबर का पार्टीज के ऊपर कहना. उनके हिसाब से जो है जो क्लासेस हैं जो वो जो क्लासेस हैं एक्चुअली वो इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर आते हैं, और जितने भी स्टेटस ग्रुप्स हैं वो सब सोशल ऑर्डर के अंदर आते हैं, लेकिन जो पार्टीज होती हैं जो अलग अलग, उनका जो होता है वो होती हैं वो तो हाउस ऑफ पावर में रहती हैं. मतलब उनका एक मुद्दा होता है जो उन्होंने सोच के रखा है, हमको ये अचीव करना है, वो उस पावर को यूज करके उस चीज को प्लान तरीके से वो अचीव करने की वो कोशिश करती हैं. तो जो उनका जो जो गोल होता है वो क्या हो सकता है, वो एक कारण हो सकता है. जो गोल है वो कारण है, क्योंकि जो पार्टी है वो उसको पाना चाहती है, और वो चाहे उसका जो गोल है जो या फिर कारण है ये काम करने का वो कुछ भी हो सकता है. मतलब जरूरी नहीं है कि जो काम कर रही हैं पार्टियां सारी के सारी देश के लिए ही काम कर रही हैं या फिर करती आई हैं, वो पर्सनल रीजन से भी करती आ रही है. हम लोग कितने अपने आसपास देखते रहते हैं, कितनी सारी पार्टीज हैं जो अपने पर्सनल रीजन से काम करती आई हैं और करती रही हैं, और वो या फिर ये पर्सनल रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं. पर्सनल रीजंस पैसा कमाना हो सकता है, पर्सनल रीजन पावर में आना हो सकता है, पर्सनल रीजन इज्जत कमाना हो सकता है, या फिर पर्सनल रीजन अपने ही सिर्फ फॉलोअर्स बनाना हो सकता है, उनका जिसमें उनको खुशी मिलती है वो रीजन के लिए हो सकता है, या फिर किसी एक पार्टी का पर्सनल रीजन एक देश को आगे बढ़ाना भी हो सकता है. अब आता है नेक्स्ट, जिसमें है कि कैसे कि जो कंटेंडिंग इंटरेस्ट होते हैं वो उसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है जो हम फटाफट है तो बहुत बड़ा, लेकिन हम आपको छोटे से करके बताते हैं कि इसमें
उन्होंने दिखाया कि जब मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो मीडिया में एड्रेस कर रहे थे मुंबई में, तब उनको बोला, उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि जो मुंबई है वो बहुत अच्छा सिटी बन जाए, जैसे कि चाइना जैसे शंघाई है वैसे ही वो बन जाए, तो यहाँ पे बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे एक्सप्रेस रिंग फ्रीवे वहाँ पे बनाया जाए, और इसके और ऐसा करने से कोई जो किसी भी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे हम 10 मिनट में पहुँच सकते हैं, कोई भी दूसरी जो फ्री वे जो एक्सेस जो फ्री जो एक्सप्रेस रिंग फ्री वे है वो ऐसा बनाया जाए कि उसको किसी भी पॉइंट ऑफ मुंबई से उसको 10 मिनट में उसको एक्सेस करा जा सके, और उसमें से क्विक एंट्री भी हो और क्विक एग्जिट भी हो। तो इसके ये बनाने के उन्होंने ये कल्पना करी, उन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे। और जो उसमें ये था कि जो जो ये जो फ्री वेज होते हैं अभी कनेक्टिविटी जो होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट में लोग जो वहाँ पे कुछ बेचने लग जाते हैं या फिर तरीके का मार्केट आ जाता है, वहाँ पे बाइंग सेलिंग शुरू हो जाता है और चाय वाय पीना भी वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से वो ये सब शुरू ना हो इसके लिए ये हुआ कि जो वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कहीं दूर पे कहीं पर सेटल कर दिया जाए, जिससे कि ये जो चीज़ जो चीज़ सोची गई थी वो बीच में हिंड्रेंस ना हो। तो जब वो गरीब लोगों ने का ये कहना था कि अब वो उनको ये जो करते हैं इससे बिजनेस में तो काफ़ी फायदा होता, लेकिन नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान हो रहा था गरीबों का। तो उनका ये कहना था भाई हम तो यहाँ पे इतने सालों से हैं, हम ही नहीं मुंबई सिटी को इतना आगे डेवलप कराया, हमने ही कंस्ट्रक्शन किया, हमने ही उसको लेवलिंग करी, हमने इन लोगों का कचरा उठाया, हमारी औरतों ने इनके औरतों के घर में जाकर काम किया और जिसके बदौलत इनकी औरतें काम कर सकी, और आज हम ही को हटा दिया जा रहा है कि उस रीज़न से कि मुंबई को डेवलप करना है। तो ये जो बात है ये दिखाता है कि कैसे कंटेंडिंग इंटरेस्ट आते हैं। तो उनका कहना था कि कैसे कोई सिटी है वो वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है अगर वो जो गरीब लोग हैं उनकी बदौलत बनाई जाए और उनको ही उस सिटी से हटा दिया जाए। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उसको देखिए और बार बार सुनिए, और अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड करिए, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए, जिससे कि ये जिस तरह से आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं वैसे वो भी लाभ उठाएं, और साथ साथ में मेरा जो चैनल है उसको भी ज़्यादा व्यूअरशिप मिले। तो होप करते हैं कि आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को इसको रिकमेंड करेंगे, बताएंगे, जैसे कि मैं ये जो चैनल है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें समझें और वो भी फ़ायदा उठाएं। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब ये है जो ये जो स्कल्पचर है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि चार आदमी लोग हैं और वो लोग कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं और ये हाथ में कुछ लकड़ी से कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पत्थर रखा हुआ है और देखिए तो इनके मसल्स अगर देखें तो जो वल्चर का जो ये सीन है, जो वल्चर इसमें दिखाया भी गया है, जो गिद्ध होता है उसको वल्चर बोलते हैं, तो गिद्ध किस तरीके से ये एक औरत का फिगर है और जो एक इंडिया में जो औरत की जो दयनीय स्थिति है उसको ये दर्शाता हुआ ये वाली पेंटिंग बनाई।